आगे वो देखो गया उधर गया वो अंदर अंदर घुस के चला जाए। हट जाओ तुम, हट जाए यार बच्चे, इधर आओ, ए हट जा पकड़ लो, ये पेड़ में आया, पेड़ जरा आ जा उधर, आओ लोग ले इधर आओ, उधर से लाओ, उधर से जाके उधर लाओ, आ जा या उधर आना पड़ेगा मुझे, देख ले ध्यान रखे उधर जा रहा मैं, हां उधर जा रहा मैं, ध्यान रखे इधर, ले ले फोटो खींचेगा हम, ले ले पत्ता ना लिया, कोई ना भाई नानी साथियों धम्मन साहब है, सुभाष से भी लंबा देखो 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 स्वाद उधर आ बगल में, बहुत बहुत लंबा है भाई, अरे पकड़ मान लेने पकड़ ले यार, तू ही पकड़ तू, बहुत लंबा है भाई, ले बाबू ओ फोटो खींच आए जरा, ले इसे फोटो खींच, ले पकड़ना फोटो खींच तभी, ये है साथ में ऊपर इसके साथ आंटी ने माटो कटरी है, सांपों तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, एकदम ही खींच ले मारे ना भाई, आओ ना ये बड़े हमारे पकड़ लो कुछ भी, सावन का समय चल रहा, कुछ सावन का समय चल रहा, हमारे पम्मी भाई भी मदद करते हुए, बहुत तगड़ा यार ये, मैं कैसे अमेरिका इस संजीव तो बिल्कुल डरने लगा है, सही बात है, हेलो हम तो टैग आ गए अरे ये भैया ने पकड़ रखा है ये ना, सुभाष अपनी लंबाई नाप में आया था, सांप ने कहा मेरे से तू छोटा है, आज हमारे मोहल्ले में सुभाष जी के घर के बगल में सांप निकला, सुभाष जी के बुलाव पर भागभूषण पेरे जी तुरंत यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है सांप पकड़ के जंगल पे छोड़ दिया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और सुभाष जी ने जो सोचा दी एकदम से जो है वो यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों में डर पैदा कर दे सांप ने, हमें सूचना मिली, हम 5 या 6 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए, हमने उसको सुरक्षित पकड़ लिया, थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी, भागना पड़ा उसके पीछे क्योंकि ये इंसान को देखते हुए भागता है, डरता है, और इंसान इसे देख के डरता है, इंसान को ये देख के डरता है, इसको सुरक्षित मेरे द्वारा पकड़ लिया गया, अभी देखिए इसको मैं इसके प्राकृतिक द्वारा छोड़ रहा हूँ, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सावन का माह चल रहा है, ये बरसात हो रही है, इनके बिलों में पानी घुस गया है और ये भी अपना जीवन बचाने के लिए इंसानों के घरों में घुस रहे हैं, इनको ना मारें ना ही मारने दें, भोले शंकर के आशीर्वाद से इनका ध्यान रखें, जब तक रेस्क्यू टीम ना पहुँचे या हम ना पहुँचे या इनको पकड़ने वाला ना पहुँचे तब तक इनको ना मारें, अगर आपको जानकारी है तो इनसे दूरी बनाए रखें, औरों को भी इनसे छेड़छाड़ ना करें दें, खतरा हो सकता है।